कुछ लोग जो है जो मुझ पर कल जानलेवा हमला किए, पूरा फायरिंग वोरिंग हुआ, बट ऊपर वालों का दुआ था, सब सही सलामत है। अभी हमारे साथ छात्र जदयू के प्रेसिडेंट के रूप में पटना यूनिवर्सिटी के आनंद मोहन जी है। भैया कैसा चल रहा है अभी चुनावी माहौल, कैसा है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, सब समर्थन सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोग जो है जो मुझ पर कल जानलेवा हमला किए, मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा मत करें। छात्रों की है लड़ाई, छात्रों की छात्र हित के लिए हम लोग चुनाव में आए हुए हैं, तो गोली बंदूक चलाने से कुछ नहीं होगा, मिलकर समाधान किया जाए इसका, और छात्र हितों के लिए आप भी काम करें, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी काम करें। अच्छा भैया कल जो हमला हुआ था उसमें किसी को कोई नुकसान भी पहुंचा था? कल हमला हुआ, पूरा फायरिंग वोरिंग हुआ, बट ऊपर वालों का दुआ था, सब सही सलामत है। झड़प हुई, हम लोग साइड हट गए, इसलिए थोड़ा सा सब लोग का जान बच चुका बन सका। अच्छा भैया ये क्या मुद्दा लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? चुनावी मैदान में बहुत सारा मुद्दा है हमारे, फ्री बस सेवा चालू करवाना, जो लाइब्रेरी है उसको अप टू डेट करना, आपको प्लेसमेंट सेल का गठन करवाना, इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू करवाना, सिलेबस टाइम पर प्रोवाइड कराना, क्लास टाइम पर चलवाना, ये सब जेन्युइन मुद्दे हैं। वाशरूम का प्रॉब्लम, ये सब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? पटना विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय दर्जा दिलाने के लिए हम लोग आने वाला 3 से 4 महीने में हम लोग इस पर डिसीजन लेंगे, और हम लोग दिल्ली तक मार्च करेंगे, अगर नहीं हुआ इसमें आप भी चलिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अच्छा पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज वोट फॉर आनंद मोहन, उसके बाद ही कुछ काम हो सकेगा विश्वविद्यालय में, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है 3 सालों का, जब मैं काउंसलर बना हूँ, प्लीज वोट फॉर आनंद मोहन।